हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर श्रुति पारेख फ्रॉम एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद। फ्रेंड्स, आज हमारे साथ बैठे हैं मुस्तफिजुर रहमान जी, जो हमारे साथ बांग्लादेश से आए हैं और इनका हमने आर्थ्रोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन किया है जस्ट 3 डेज बैक। और आज आप देख सकते हैं वो अपने बेड से उठ के हमारे साथ यहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं एंड ही इज फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर हिज सर्जरी। एंड आइए जानते हैं इनके रिव्यूज हॉस्पिटल के बारे में और वो कैसे यहाँ पे आ पहुंचे। तो रहमान जी, हमको पहले ये बताइए, आपको ये इंजरी कब हुई थी और कैसे हुई थी? थैंक यू मैम। मेरा इंजरी 3 साल पहले हुआ था और फुटबॉल खेलने के वक्त हुआ था। मैं गिर गया था, गिरने के बाद बहुत एक पेन हुआ था मुझे। 7 दिन मेरा पेन रहा। मैं एक ऑर्थोस्कोपिक सर्जन के पास गया, उन्होंने मुझे एमआरआई करने को बोला। तो मैंने मेरा एमआरआई किया। एमआरआई करने के बाद जो रिपोर्ट आया वो एसीएल टियर था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और बांग्लादेश में इसका जो सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी का ट्रीटमेंट होता है ना, वो अवेलेबल नहीं है। और मैं कुछ लोगों से बात किया जो बांग्लादेश में सर्जरी किया था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं था। ओके। तो देन आई रिसर्च हाउ कैन आई गेट द फाइनेस्ट ट्रीटमेंट। मैं रिसर्च करके करके बहुत यूट्यूब में देखा, फेसबुक पे देखा, इंस्टाग्राम पे देखा, गूगल पे देखा। जब मेरा मैंने डॉक्टर पद्मेश जैन सर का चैनल देखा ना, तो मैंने सार्क से बहुत कुछ जानकारी मिली। कौन सा बटन लगता है, फाइबर टेप होता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट के बारे में मैंने जाना। फिर मैंने समझा कि ये ट्रीटमेंट बहुत तरह की से हो सकती है, होती है, राइट। तो मुझे करना था कि ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन विद फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस, परफेक्ट। ये सबसे अपडेट टेक्नोलॉजी के अभी तक। तो वो मुझे कराना था। तो मैंने सर के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे मैसेज भेजा, तुरंत मुझे रिप्लाई आया। मैंने कॉस्टिंग बारे में पूछा, मेरा एमआरआई भेजा। सर ने सब कुछ मुझे समझा दिया। फिर मेरा जो प्रिपरेशन करना पड़ा, मुझ पैसे का कुछ इंतजाम करना पड़ा। और सर का मैंने किसी किसी जगह में पूछा, इतना कॉस्ट बोल रहा था तो मुझे एफोर्ड नहीं हो पाया और ट्रस्ट नहीं लगा मुझे। फिर मैंने एडवांस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने आया। राइट राइट, ओके। तो आपने इंजरी और सर्जरी के बीच में कितना टाइम निकाला? इंजरी और सर्जरी 3 साल। 3 साल निकाल दिए आपने, जब ही आपका एसीएल रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ा, राइट। तो एसीएल टेयर होने के तुरंत ही बाद अगर हम सर्जरी करते हैं तो हो सकता है कि उसको ही रिपेयर करते, बट वी हैड टू मेक योर न्यू एसीएल। ओके। तो अब आप यहाँ पे 3 दिन से हो, आपका हॉस्पिटल के साथ एक्सपीरियंस? मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता था, राइट, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ, राइट। तो बहुत दूर से आया हूँ और अनदर कंट्री से आया हूँ। तो दूसरे कंट्री में लोग कैसे होंगे, आप एक्सपीरियंस होंगे थोड़ा? मेरा पहली बार एयरपोर्ट का फ्लाइट भी था, राइट। तो मैं थोड़ा नर्वस था, राइट। यहाँ पे आके जो लोग मिला है मुझे, वो फिर मैंने समझा कि सब आपने ही है, राइट। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे है, ट्रीटमेंट अच्छे। सर डेली 2 बार आके चेक करते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, राइट। ओवरऑल फीलिंग बहुत अच्छा है। और सर के साथ एक्सपीरियंस बेस्ट? वो बेस्ट एक्सपीरियंस है। और सर का मुझे लगता है कि सर से ट्रीटमेंट लेना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। नो, वी आर आल्सो ऑनर्ड टू हैव पेशेंट्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। तो हमारे बांग्लादेश से बहुत सारे पेशेंट्स आए हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, और ही इज आल्सो वन ऑफ देम एंड ही सीम्स टू बी वेरी हैप्पी सिंस ही हैज कम हियर। तो ये इंटरव्यू तो बनता था, जरूरी था, राइट। सो वी विश यू अ वेरी हैप्पी रिकवरी। बहुत जल्दी रिकवर हो जाओ आप और फिर वापस हमें मिलने आओ, और हम आपको दौड़ते देखना चाहते हैं, राइट, एंड वापस फुटबॉल खेलना। यस, अगली ईयर मेरा एवरेस्ट में जाने का प्लान भी है। मैंने सर से आज पूछा था कि मैं अगली ईयर एवरेस्ट में जाना पाऊंगा, सर ने थम्स अप दिया, उन्होंने बोला यू कैन और यू कैन आल्सो। यस यस यस। तो अच्छे से जाओ उधर, जाके अच्छे से फिजियोथेरेपी करो, अच्छे से फॉलो अप में रहो। यहाँ से यहाँ पे आप पूरे हॉस्पिटल में किसी के भी साथ फॉलो अप में रह सकते हो। अच्छे से फिजियोथेरेपी करो, रिकवर हो जाओ और वापस रिज्यूम योर फुटबॉल। थैंक यू।
राइट ठीक है. विश यू अ वेरी हैप्पी रिकवरी. विश यू अ वेरी अर्ली रिकवरी. थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.